चंडीगढ़ में चल रही स्थानीय निकाय विभाग की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नैब सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की। फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है। स्थानीय निकाय विभाग की ये बैठक जो मुख्यमंत्री नैब सैनी की अध्यक्षता में हुई, फिलहाल बैठक को लेकर अपडेट यही कि बैठक खत्म हो चुकी है। स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी इसमें मौजूद रहे, अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री विपुल गोयल ने बैठक को लेकर जानकारी भी दी है। स्थानीय निकाय विभाग की अहम बैठक जो चल रही थी चंडीगढ़ में, वो बैठक खत्म हो चुकी है। स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल बैठक में मौजूद रहे, अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक को लेकर जानकारी मंत्री विपुल गोयल की तरफ से दी गई है। स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल इस बैठक में मौजूद रहे, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक को लेकर विपुल गोयल ने जानकारी भी दी है। हरियाणा की वृहद मीटिंग थी जिसके अंदर जिसकी चेयरमैनशिप माननीय मुख्यमंत्री ने की, और उसके अंदर चाहे सैनिटेशन स्वच्छता से रिलेटेड कोई बात हो, चाहे रोड पर घूमते हुए आवारा पशुओं की बात हो, या गौमाता की गौवंश की बात हो जो रोडों पर घूम रहा है, उसके अलावा स्वच्छता से रिलेटेड, लाइटों से रिलेटेड और जितनी भी समस्याएं थी, जो आज समाधान दिवस हो रहा है उसका अपडेट लेना कि समाधान दिवस के अंदर कितनी कितनी समस्याएं आई हैं, किस तरीके से उसका निवारण हुआ है, एक पूरी डिटेल चर्चा आज यहाँ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है। और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं, चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, चाहे रोड पर जितने भी पशु घूम रहे हैं उनको लेकर, उनको गौशाला के अंदर नंदी हैं चाहे हमारी गायें हैं, उनको अपने गौशाला के अंदर लेकर जाना, इस सब पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। और बड़ी तेज़ी आप लोगों को यूएलबी के अंदर देखने को मिलेगी, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे अन्य जितने भी काम है उसमें तेजी लाने के लिए आज ये व्रत मीटिंग। दिवाली का सर, त्योहार का दिन है, ऐसे समय में कोई सफाई को लेकर के विशेष नहीं, स्वच्छता आज दिवाली का जो त्यौहार अगले हफ्ते आ रहा है, और दिवाली के लिए जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं उनको चाक चौबंद करके बड़ी तेजी से उन लाइटों को लगाया जाए, जो खराब लाइटें उनको बदलवाया जाए, और स्वच्छता के अंदर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, ऐसे निर्देश आज यहां से दिए गए हैं। प्रॉपर्टी आईडी एक बड़ा मसला है, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के कुछ बात हुई है, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी रिव्यू किया गया है, बड़ी तेजी से उनके सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। जितनी प्रॉपर्टी आईडी में समस्याएं थी वो धीरे धीरे घटती जा रही हैं, और आने वाले एक डेढ़ महीने में हम उस पर काबू पा लेंगे, और जितनी भी जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं रेगुलर बड़ी तेजी से प्रॉपर्टी आईडी की कम हो रही हैं, समाधान दिवस के अंदर भी अभी पिछले टाइम से, पिछले हफ्ते या पिछले महीने के अनुपात में बहुत कम समस्याएं दर्ज हुई हैं, लेकिन उसका एक पूरी डिटेल चर्चा उस पर होगी, और आने वाले एक दो महीने में प्रॉपर्टी आईडी के अंदर जो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बड़ा काम था लेकिन बहुत ही अच्छा काम था कि जो एक हरियाणा को एक नया आयाम देने का काम करेगा और उसके रिकॉर्ड को बहुत अच्छे तरीके से दुरुस्त करने का काम करेगा, तो इसमें छोटी मोटी समस्याएं थी उनका सभी का समाधान निकाला हुआ है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए, मंगलवार से रेगुलर समाधान दिवस हर जगह पर 2 घंटे के लिए 9 से 11 सभी ऑफिसर्स बैठेंगे, उसका निवारण करने का काम करेंगे सर, तो समस्या पर तेजी से इंश्योर किया गया अधिकारियों को कि प्रॉपर्टी आईडी का समाधान करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी, जो अच्छा काम करेगा उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। देखिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो अच्छा काम करेंगे उन्हें अवार्ड दिया जाएगा, जो काम के अंदर नेग्लिजेंसी या कोताही बरती जाएगी तो उनके अंदर सब हर संभव कार्रवाई उनके अंदर। मैकेनिज्म क्या होगा प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के, ये था कि प्रॉपर्टी आईडी का कोई मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं, सारा मैकेनिज्म बना हुआ है, लेकिन लोगों को कहीं कोई किसी तरीके की दिक्कत आ रही है तो उसका निवारण चाहे वो पोर्टल के माध्यम से हो, चाहे अधिकारियों के माध्यम से हो, या कई कई लोगों को नॉलेज की वजह से दिक्कत हो तो उसको अपडेट करने का काम हो रहा है, किसी तरीके की कोई समस्या। आने वाले समय में कोई फीडबैक भी लिया जाएगा सर इस बैठक को लेकर? बिल्कुल नेक्स्ट बैठक जो होगी हर 30 दिन के अंदर इसका रिव्यू करा जाएगा, और हर 30 दिन के अंदर जो आज यहाँ दिशा निर्देश दिए गए उन पर कितना काम हुआ है इसका फीडबैक लेकर कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको पारितोषिक दिया जाएगा, जिन्होंने काम में नेग्लिजेंसी बरती है।